In the circuit shown in figure, the cell has EMF 10 volt and internal resistance 1 ohm दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट अपन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहां से अपन स्टार्ट करेंगे पॉइंट ए से, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉइंट ए ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम दे देंगे पॉइंट ए। अभी देखिए सबसे पहले बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना, 1 ओम है। तो बैटरी का ये इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ से अपने को बी पे जाना है, तो ये 1 ओम हो गया, अभी बी पे गए तो बी, ये और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम, ठीक है। तो ये बी पे पहुंच गए, ठीक है। अभी बी से सी पे अपने को जाना है, यहाँ पे देखिए ऐसे ये सी पे चलेगा, सी से अपने को देखिए डी पे जाना है, तो इनके बीच में 3 रेजिस्टेंस है, तो ये बी और सी के ये 2 ओम दिया हुआ है, और इसका भी वैल्यू कितना, 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 2 ओम, ठीक है। अभी देखिए अभी सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस 8 ओम का है, तो यहाँ पे सी है और सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस 8 ओम का है, ओके। अभी बी और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो अभी देखिए डी से ई पे जाना है मुझे, तो यहाँ पे डी है, डी से ई के बीच में यहाँ पे ई एक रेजिस्टेंस 2 ओम है। अभी ई से एफ जाना है, ये ई पॉइंट आ गया, अभी ई टू एफ जाना है, एफ ए पॉइंट एफ आ जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ठीक है। अभी बी टू ई एक रेजिस्टेंस जो है बी से इज कनेक्टेड, एक रेजिस्टेंस 8 ओम, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ये एफ पे नेगेटिव टर्मिनल आ जाता है, ये अपना फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज अपने को 10 वोल्ट दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसका सॉल्यूशन करना है, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट में आपको दिख रहा है कि ये सीरीज सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सीरीज में सॉल्व कर लेता हूँ। तो सीरीज जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फर्स्ट केस में सीरीज 2 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 8 ओम हो जाएगा। तो इसके जगह पे एक रेजिस्टेंस जो है ना अपना, एक रेजिस्टेंस 8 ओम का आ जाएगा, ठीक है ना, 8 ओम का आ जाएगा। और 8 ओम पैरेलल होगा किसके, 8 ओम के थ्रू। तो इसका जब पैरेलल सॉल्व करेंगे,
सॉल्व पैरेलल 8 पैरेलल टू 8, तो इसका पैरेलल इक्विवेलेंट सॉल्व कर देंगे, तो 1 ऑफ 1 8 प्लस 1 ऑफ 1 8 ये कितना आ जाएगा, ये अपना 2 ऑफ 1 2 ऑफ 1 8 1 ऑफ 1 4, यानी ये किसका आ गया 1 ऑफ 1 4, तो इसका पैरेलल इक्विवेलेंट कितना आ गया 4 ओम। तो अभी यहाँ पे पैरेलल सॉल्व कर लिए 8 ओम को 8 ओम से, तो इन दोनों के जगह पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने पास, यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा इन दोनों का पैरेलल कितना आ जाएगा 4 ओम आ गया। ये 4 ओम आ गया, ठीक है। अभी देखिए ये तीनों सीरीज दिख रहा है, तो अभी इसका सीरीज सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, 2 प्लस 4 8 ओम आ गया, ठीक है। तो इसका सीरीज कितना हो गया, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ ये चीजें, और यहाँ पे जो है एक सीरीज मैंने सॉल्व कर दिया 8 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी देखिए 8 ओम पैरेलल है 8 ओम के थ्रू, तो अगर इसका अगर इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे तो अपना कितना आएगा 4 ओम आएगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली यहाँ पे मैं एक वायर कनेक्ट करूँगा इन दोनों को बदले, यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और इधर से ये इरेज किया, तो बी और ई के बीच में, बी और ई के बीच में एक 4 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब देखिए ये तीनों सीरीज में हो गया, तो सीरीज सॉल्व करेंगे 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है ना। मतलब इसका सीरीज कितना आ जाएगा अपने पास, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया अपने पास, आर टी इक्वल टू 10 ओम आ गया, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे, तो करंट I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर टी, ओके। तो यहाँ से V कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, और R का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया हुआ है, तो I इक्वल टू कितना हो गया 1 एम्पियर, ठीक है। और
ये टोटल नेट करंट हो गया, मतलब कि टोटल करंट हो गया सर्किट का। तो ये जो है, ये रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में क्या होता है कि करंट कांस्टेंट होता है। तो 3 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू भी कितना, 1 एम्पेयर ही करंट, सॉरी यहाँ पे 1 एम्पेयर होगा, 1 एम्पेयर ही करंट फ्लो होगा। तो करंट फॉर 3 ओम इज 1 एम्पेयर। तो अपना ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, राइट है, और सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अभी सेकंड केस में चलते हैं। इसमें सीम है, करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस अपने को निकालना है। करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करते हैं फिर, इसके लिए सर्किट एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए थोड़ा फास्टली मैंने सिखा दिया कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट एक ए ले लिया, यहाँ पे 10 वोल्ट जो है, और यहाँ से ये 1 ओम रेजिस्टेंस, ये 2, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ पे ये पॉइंट सी आ गया अपना सी, फिर अगेन 2 ओम रेजिस्टेंस, फिर इसके साथ 4 ओम रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ पे डी पॉइंट आ गया, फिर डी पॉइंट, फिर उसके बाद से 2 ओम रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे ई पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ से ई से एफ अपने को जाना है, ये 2 ओम है, और यहाँ पे एफ दिया हुआ। ठीक है, और डी और ई के बीच का रेटिंग कितना है, 2 ओम। अब यहाँ से सी से डी जाना है अपने को, तो सी यहाँ पे है, सी से डी, ये कितना दिया है, 8 ओम, और बी से जाना, ये भी कितना है, 8 ओम। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जब सीरीज सॉल्व किए थे तो ये तीनों का कितना आया था, 4 ओम। अभी अब मैंने देखा था बी और ई के बीच में जब सॉल्व किए थे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था, 4 आया था। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरे सर्किट को इरेज करके, यहाँ पे देखिए ये बी और ई के बीच में इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4 आया था। ठीक है, तो अभी इस 4 ओम के थ्रू जो है, इस 4 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, 1 एम्पेयर करंट फ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि इसके सीरीज में है। तो अभी इसका अपन वोल्टेज निकाल लेंगे, 4 ओम के थ्रू वोल्टेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ओम के थ्रू वोल्टेज अपना हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, ठीक है। मतलब 4 वोल्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट। अभी यहाँ पे जो है ये B और E के बीच में इक्विवेलेंट कितना आया था, 4 आया था। देखिए यहाँ पे कैसे करना है, ये ऊपर का जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने सॉल्व किया था तो इसका 8 ओम आया था, ठीक है ना। मैं इरेज करके मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना था, 8 ओम था, ओके। तो इसका करंट, तो इसका वोल्टेज कितना अपने पास है, इसका वोल्टेज है 4 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे V 4 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पे I अपन निकाल सकते हैं और ये 8 दिया हुआ है, तो I इक्वल टू कितना हो गया, 4/8। मतलब करंट का वैल्यू कितना हो गया, 0.5 एम्पेयर हो गया, ठीक है।
अभी देखिए पूरे इस सर्किट का अपना ये पूरे इक्विवेलेंट का करंट कितना आ गया, यहां तक इसको भी इंक्लूड करके 0.5 आया था अपना, 0.5 एम्पेयर। तो अभी ये देखिए यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट पे जैसे आते हैं अपन, तो करंट का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, कुछ करंट इधर जा रहा है तो कुछ करंट इधर जा रहा है, ठीक है ना। बाकी करंट का डिवीजन कहीं नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 ओम से जो करंट जाएगा वो क्या होगा, 0.5 से कम होगा। तो ऑप्शन अगर देखे तो इसमें 0.5 तो होगा नहीं, मतलब 0.5 से कम होगा, तो 0.5 से कम ऑप्शन इसमें दिया है, 0.25। ये डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, सोच के इसको मार्क कर सकते हैं, लेकिन इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट चार्ज जीरो भी अभी इसका सी और डी का इक्विवेलेंट में ड्रॉ करते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे सी और डी का फोर ओम आएगा, यहाँ पे सी था और यहाँ पे फोर ओम, ठीक है। ये पहले अभी इसका वोल्टेज वोल्टेज निकाल लेंगे, करंट पता है अपने को, करंट इसका कितना था, 0.5 एम्पेयर था, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा अपना, वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इक्वल टू IR, मतलब 0.5 × 4 यानी 2 वोल्ट इसका आ जाएगा। वोल्टेज कितना आ जाएगा, एक वोल्टेज कितना आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से सर्किट में चलते हैं, प्रीवियस वाले सर्किट में, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया था अपना, 4 ओम आ गया था, और उसका वोल्टेज भी कितना आ गया था, 2 वोल्ट आया था। ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, अब देखिए ये 2 वोल्ट ऊपर भी रहेगा और इसके साथ भी क्या रहेगा, 2 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। इसके साथ भी 2 वोल्ट रहेगा और इसके साथ भी क्या रहेगा, 2 वोल्ट रहेगा। अब इसका इक्विवेलेंट कितना आया था, यहाँ से ये पूरे सी और डी का इक्विवेलेंट कितना आया था, सी और डी का इक्विवेलेंट कितना है, ये 8 ओम है, ये 8 ओम है, इसका इक्विवेलेंट 8 ओम है, ठीक है। उसमें से करंट तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका वोल्टेज 2 वोल्ट है तो इसका भी वोल्टेज कितना होगा, 2 वोल्ट होगा, तो इसका करंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट देखते हैं, यहाँ पे अपन इक्विवेलेंट इसका ये इरेज कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा। तब देखिए इसके साथ ये पैरेलल में है, तो इसका 2 वोल्ट है, मतलब इसका भी वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, तो इसका करंट अपन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस, करंट और 8 ओम, मतलब ये अपना कितना आ गया, I इक्वल टू V/R, मतलब 2/8, 1/4, ठीक है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/4, ठीक है ना। फिर प्रीवियस वाले सर्किट में चलते हैं अपन, प्रीवियस वाले सर्किट। तो अभी ये देखिए ये सीरीज में है और इसका इक्विवेलेंट सॉल्व किए थे अपन, तो 8 वोल्ट आया था, और 8
8 ओम आया था, और 8 ओम से करंट जो फ्लो कर रहा था कितना कर रहा है, 1/4 एम्पेयर, मतलब 0.25 एम्पेयर फ्लो हो रहा था। और सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा, 0.25, 0.25 2 ओम से भी फ्लो होगा, 4 से भी होगा, और इस 2 ओम से ही होगा। तो इसलिए अपना 4 ओम के थ्रू कितना रेजिस्टेंस फ्लो, कितना करंट फ्लो होगा, तो करंट फॉर 4 ओम रेजिस्टेंस, करंट फॉर 4 ओम इज इक्वल टू 0.25 एम्पीयर। ये आंसर, ये अपना कैलकुलेट भी कर लिए थे, और वहां पे पुराना वाला कंसेप्ट भी एक बताया था, वो भी इस